إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا किन्नी ऊंची शाने सब किताबां चो उच्चा शाने की मैं दसा किन्नी ऊंची शाने सब किताबां चो अफजल कुराने सब किताबां चो अफजल कुराने साडा हर थां ते एहो एलाने साडा हर थां ते एहो एलाने सब किताबां चो अफजल कुराने सब किताबां चो अफजल कुराने जेड़ा कुरान दे नेड़े आवे जेड़ा कुरान दे नेड़े आवे ओता सीधा जनता नु जावे मेरा आका भी ए फरमावे रब कोलों इज्जत पावे होवे कुरान च जिस दी जाने सब किताबां चो अखरी शाने सब किताबां चो अफजल कुराने जेड़ा कुरान जितना पढ़ेगा जन्नत दे उतने ओ दर्जे चढ़ेगा जेड़ा कुरान जितना पढ़ेगा उतने ओ जन्नत दे दर्जे चढ़ेगा हा जेड़ा हाफिज कुरान बनसी माँ पे ओ दी ओ सफारश भी करसी ओ ते होसी खुदा दा मेहमाने सब किताबां चो अफजल कुराने की मैं दसा किन्नी उच्ची शाने सब किताबां चो अफजल कुराने हम्द सना और दुरूद सलाम दे बाद अहबाब ज़िक्र अल्लाह दा बहुत शुक्र है अल्लाह ताला दी बहुत खास रहमत है कि अल्लाह ने सानू रमजान मुबारक दा महीना फिर देखना नसीब फरमाया। रमजान मुबारक दे इस महीने दा आगाज है। अल्लाह दे पाक महीने दा पहला जुम्मा है। बाबरकत और सआदत वालियां घड़िया ने रहमत और बरकत दिया और अल्लाह ताला दे कोलों मगफिरत हासिल करन दिया घड़िया ने अल्लाह पाक दे कोलों दुआ फरमाओ अल्लाह सानू सारे नू रमजान मुबारक दी कमा हक हो कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। रमजान आया इबादत वास्ते ताकि असी अल्लाह दी इबादत करिए अल्लाह नू राजी करिए। उन इबादत दे अंदर एक बहुत अहम इबादत है जिसका मतलब है कुरान पढ़ना।
कुरान पढ़ना एक बहुत बड़ी इबादत है, जिस तरह नमाज एक इबादत, रोजा एक इबादत, उम्रा और हज एक इबादत, कुरान पढ़ना भी इबादत है। दुनिया के अंदर इंसान तो बड़े आए ने, लेकिन इंसाना के अंदरों अगर सब तो शान ज्यादा मिली है तो अंबियाए किराम दियां जातां नूं मिली। अंबियाए किराम के अंदरों अगर देखा जाए तो सब तो शान अल्लाह ने ज्यादा अता किनू की है, वो एको ही हस्ती ने आमिना दे लाल खतीबुल अंबिया, इमामुल अंबिया, कायद आजम, फख्र आजम, मुर्शिद आजम, हादी आजम, रहबर आजम, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात है। नबी पाक अली सलाम दी जात नू अल्लाह पाक ने सब तो आला और सब तो बुलंद बनाया। हर नबी दी तरफ कोई ना कोई किताब नाजल हुई, कोई ना कोई सहीफा नाजल होया, लेकिन नबी पाक अली सलाम ते भी अल्लाह ने कुरान पाक नाजल फरमाया। सारिया किताबा और सारे सहाइफ अगर सामने रखे जान, इन सब दे अंदरों अगर सब तो ज्यादा अजमत भी मिलेगी कुरान दी मिलेगी। कुरान पाक दी अजमत अलग मौजू है, कुरान पाक दी बरकात एक अलग मौजू है, कुरान पाक दे हुकूक एक अलग मौजू है, लेकिन मैं तुहाडे सामने अज जो गुजारशात करना चाहना वह है कुरान पाक दी ताकत। कुरान पाक अंदर ताकत किन्नी है, तासीर किन्नी है। दुआ करो अल्लाह सानू भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। रमजान का महीना गुजरता पिया तो ज्यादा तो ज्यादा कुरान की तिलावत पढ़ करो, जितना कुरान पढ़ सकते हो पढ़ो। ये महीना पता नहीं अगों लभना है कि नहीं लभना, एर की लभ्या कदर कर लो, अल्लाह कदर की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी जी आवाज ना तेज कर दिया जी, बस बाकी ठीक है, सिर्फ आवाज तेज कर। लेकिन नबी पाक अली सलाम ने फरमाया रमजान की कदर कैसे हो सकती, के रोजा भी रखना है तो रोजा रख के अगर टाइम ना लंघे तो अल्लाह का कुरान पढ़ना है। तो कई आंदे ने जी मौली साहब रोजा बड़ा लगता है, टाइम ना लंघे फिल्म वेख सकने हैं, क्यों जी रोजा नहीं लंघता मौली साहब, कोई ड्रामा ही वेख लीए कोई टाइम लंघ जाएगा। मैं तो रोजा रख के ना मौली साहब यहां सो जाना वा, तो यहां चाह वाली दुकान से टुर जाना वा, जाके उधर टीवी वेंदे रही, टाइम लंघ जाता है। इंज का काम नहीं करना, बल्कि टाइम गुजारन वास्ते की करना है, सारे बोलो कुरान पढ़ना। हुण वेखिए कि अल्लाह दे कुरान दी ताकत कितनी है, अल्लाह दा कुरान कितनी ताकत और तासीर दा हामिल है। जरा तवज्जो करो, अल्लाह पाक दे कोलो दुआ है अल्लाह पाक सानू सारयां नू कुरान पाक दे नाल मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे अतहर ते मेरे अल्लाह ने अपना पाक कुरान नाजल फरमाया। फरमाया इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا। اللہ پاک نے فرمایا اسا اپنے قرآن نو امانت بنایا ते इस अमानत नूं असां लिया ते असां सामने पेश कीता आसमाना दे, आसमाना नूं आख्या आसमानो तुहाडे अंदर बड़े बड़े बोझ पए होए ने, तुसां बड़ा वजन चुकिया है, अल्लाह दे फरिश्तियां दा वजन चुकिया, अल्लाह रब रहमान दे अरश दा वजन चुकिया है, बड़ियां चीजां तुहाडे उत्ते ने,
लिहाजा एक वजन मेरे को भी ले लो, एक मेरी भी अमानत न अपने अंदर रख लो ना। अल्लाह जी केड़ी अमानत है? अल्लाह ने फरमाया मेरी अमानत कुरान है, कुरान नु भी अपने अंदर जगह दे दियो ना। ते आसमाना ने अल्लाह दे अगे माजरत कर ली, अल्लाह सुने असी नहीं चुक सकते। फिर वारियां जमीना दियां आईया ने, नी जमीनों बड़े बड़े पहलवान तुहाडे अंदर चलते ने, बड़े बड़े मकान ते बिल्डिंगां तुहाडे अंदर बनिया ने, बड़े बोझ तुहाडे अंदर ने। लिहाजा एक मेरी भी अमानत ले लो ना। लकड़ी अमानत है? फरमाया मेरे कुरान नू अपने अंदर जगह दे दियो ना। ते जमीना भी डर गई, अल्लाह सुनिया असी नहीं चुक सकते। फिर पहाड़ा नू आख्या गया पहाड़ो तुसी ले लो ना। ते पहाड़ा ने भी आख्या अल्लाह असी भी कबूल नहीं कर सकते, माजरत चाहने। अल्लाह रब रहमान नू पुछिए दसी ना, अल्लाह इन्हां सारियां चीजां ने इनकार कर दिता है, ते दसना तुहाडी अमानत नू लैण वाला कौन, किन्ने चुकया है? अल्लाह रब रहमान ने फरमाया वहमला हल इंसान, इंसान ने मेरी अमानत नू अपने सीने दे अंदर जगह अता कर दिती है। जेड़ियां चीजां नू आसमान ते जमीना पहाड़ नहीं चुक सके ने, मुसलमाना दा 10 साल दा बच्चा है, ते अल्लाह दे कुरान नू अपने सीने दे अंदर याद करी बैठा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया इंसान ने मेरी इस अमानत नू कबूल कर लिया। अगे अल्लाह दा ऐलान सुनिया जे, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इंसान बड़ा जालिम है, बड़ा जाहिल है। अल्लाह सुने अकदे तेरी अमानत चुकी सू, नाल तुसी जाहल होंदियां गल्लां करदे पए हो, नाले नू जालिमां दे पए हो। अल्लाह कहंदे ने इन्हें चुक ते ले आए, मेरी अमानत नू अपने सीने दे अंदर जगह ते दे दित्ती सू, जदों अमल करन दी वारी आएगी इंसान पीछे पीछे नसदा नजर आएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला दे कुरान तो पहाड़ भी डरते ने, जमीना भी डर दिया ने, कुरान दी ताकत तो, कुरान भी ताकत दे का ताकत नू समझते ने, आसमान भी ताकत नू समझते ने, अल्लाह ताला दे पहाड़ भी ताकत नू समझदिया ने, अल्लाह रब रहमान दियां जमीना भी। लेकिन जेड़ा मुसलमान है ना, कुरान एदे कोल है ते लेकिन कुरान दी ताकत नू समझदा, सारे बोलो कुरान दी ताकत नू कोई नहीं समझदा। आंदा जी कुरान एवें बस किताब ही है। जेकर साडे दिल दे अंदर इत्मीनान होवे ना, यकीन होवे कि कुरान पाक अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी तासीर है, ते अल्लाह दी कसम असीं कुरान रोज पढ़िया ना करिए, कुरान दी रोज तिलावत ना करिए। मेरे पैगंबर ली सलातो सलाम ते अल्लाह ने अपना पाक कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम सुनिए, फरमाया इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती अकवम وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا। اللہ رب رحمان نے فرمایا ایسا دا قرآن ہے تے قرآن ہدایت دین والا ہے، قرآن ہدایت دے رستے تے چلان والا ہے، ऐसा डा कुरान हिदायत दे उते राह दे उते गामजन करने वाला है, ऐसा डा कुरान हक दी राह दे उते चलाने वाला है, चंगियां गल्लां दी तरफ रहनुमाई करने वाला है, मुसलमानां नू खुशखबरियां देने वाला है। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक नू अल्लाह रब रहमान ने हिदायत बनाया, जिन्हें दिल लाग सुन लिया कुरान दे कोलों हिदायत पा लई है, जिन्हें प्यार नाल सुन लिया कुरान पाक दी हिदायत लै गया। अल्लाहु अकबर। आइए मैं एक गल सुनावा, मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, जालिम भी दुश्मन भी लोक लोक के मेरे नबी दा कुरान सुनना दे सन। अल्लाहु अकबर।
संग दिल भी कॉल जे आ जांदे मुख तक लेंदे दिल दे बांदे मुख तक लेंदे दिल दे बांदे काफर भी रात नु लुक लुक के मुशरिक भी रात नु लुक लुक के आ सुनन कुरान मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लग देने है वखरा नाम मुहम्मद दा है वखरा नाम मुहम्मद दा महबूब ने जद ऐलान किता सिद्दीक ने सब कुर्बान किता सिद्दीक ने सब कुर्बान किता वार के तन दिया लीरानू वार के तन दिया लीरानू किता खूब इकराम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लग देने है वखरा नाम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आये मदसान लारा ब्रह्मान ने कुरान पाक दे अंदर हिदायतां किवें रखियां ने अल्लाह रब रहमान ने कुराने पाक दे अंदर हिदायत दे अंबार रख दिते ने अल्लाह ने हिदायत दे खजाने रख दिते ने मेरे पैगंबर ली सलातो सलाम दा बड़ा बड़ा दुश्मन है एदा नाम उमर बिन खत्ताब है मेरे पैगंबर ली सलातो सलाम नो मारन दी नीयत दे नाल आमिना दे लाल ली सलातो सलाम दे उपर हमला करन दी नीयत दे नाल अपने घर दे अंदरों निकले आए ते पता चलिया उमर किधर जा रहे हैं आंदा जी मुसलमाना दे नबी नू कतल करन जा रहे हैं जनाब उमर नू किसे दसिया ओए उमर अपने घर दे अंदर वेखना जिस नबी नू कतल करन चलाए उस नबी दा कलमा पढ़ के तेरी बहन ते तेरा बहनोई भी मुसलमान हो गए ने जाके अपने घर दा जायजा ते लेना जनाब उमर बिन खत्ताब जल्दी दे नाल घर दे अंदर आए ने दरवाजा खड़काया ते घर दे अंदर बहन ते बिनोई दोनों मौजूद ने दरवाजा बंद ते दरवाजा बंद मियां बीवी बैठे ने किसे दियां चुगलियां नहीं करते पे बल्कि अल्लाह दा कुरान पढ़ते पे ने मियां बीवी बैठे ने अल्लाह दा कुरान पढ़न दे ने जनाब उमर ने जाके दरवाजा खड़का दरवाजा खड़किया ना ते बहन ने सुनिया दरवाजा खटकिया ते पुछिया आन वाले कौन है ते जनाबे उमर ने आवाज दी कहन लगे नी मेरी बहन ने दरवाजा खोल उमर बिन खत्ताब आया तेरा वीर आया वा ते बहन डर गई जल्दी दे नाल कुरान नु लुका दिता है लुका के ते दरवाजा खोल दिता जनाब उमर अंदर आए ने आके पूछया मेनू पता चलिया तुसी बेदीन हो गए हो मेनू पता चलिया तुसी दीन नु छड़ दिता है साडे दीन नु छड़ के मुहम्मद दे दीन नु कबूल करी बैठे हो ते बहन कहन लगी वे उमर बेदीन नहीं होए बल्कि दीन वाले हो गए आ बेदीन नहीं बल्कि ईमान वाले हो गए आ अल्लाह अकबर बहनोई सईद भी आया है ते सईद नु कहन लगे उमर सईद कलमा छड़ दे नहीं ते बड़ा जुल्म करांगा कलमा छड़ दे मुहम्मद रसूलल्लाह दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बहनोई सईद भी कहन लगा वे उमर जो हो सकदा ही कर लै सा मुहम्मद दा कलमा नहीं छड़ना असी आमिना दे लाल दे दीन नु नहीं छड़ना इनियां गल्लां होईयां ने उमर गुस्से दे अंदर आ गए ने बहनोई नु जमीन उते लिटा लिया मारन लग पए ने बहन छुड़ान वास्ते आई है ते बहन नु भी धक्का मारिया बहन गिरी है ते दे मत्थे दूते चोट लग जांदी है पेशानी ते चोट लग जांदी है ते खून निकलन लग पिया जान दियो जदों खून निकले किसे अपने दा बड़ी खिच हुंदी अपने खून दे अंदर अल्लाहु अकबर खून निकलिया अपनी बहन दा ते उमर दा दिल नरम होन लग पिया बहनोई सईद नु छड़ दिता ते कहन लगा नि फातिमा
क्यों मेरे कोलों जुलम करवा दियां पईयां जे क्यों अपनी जान दियां दुश्मन बनिया जे छाड़ दियो कलमा मुहम्मद रसूलुल्लाह दा छाड़ दियो ना मुहम्मद दीन नूं अल्लाह अकबर तुहाडी जान बच जाएगी तुहाडी जान बख्श के रख देवांगा अल्लाह अकबर मैं कुर्बान जावां और जिन्ना ने लाइया ने आमिना दे लाल दे नाल जिन्ना ने मुहब्बतां पाइया ने आमिना दे लाल दे नाल जिन्ना ने प्यार पाया आमिना दे लाल दे नाल बहन भी कहन लगी है वे उमर कान खोल के सुन ले तू खताब दा बेटा है ते मैं भी खताब दी बेटियां हुन जान ते जा सकती है पर ईमान नहीं जा सकदा जान जा सकती है पर ईमान नहीं जा सकदा ते उमर दा दिल ठंडा होया उमर कह लगे ने नी फातिमा मैं एक गलत सुनना जिदों मैं बाहरों आया सा मैनू कुछ आवाज आ रही सी की पढ़ते पैसो कुछ पढ़न दियां आवाजा आ रही सन की पढ़ते सो पै ते बहन फातिमा कह लगी है वे वीर उमर पूछना चाहना की पढ़ते सां ते सुन ले अल्लाह दा कुरान पढ़ते पैसा अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करदे पैसा ते उमर कह लगे लिया वखा ते सही ना लिया ना मैनू कुरान फड़ा ते सही ना बहन कह लगी है वे उमर तू ना पाके कुरान पाके तेरा हाथ नहीं लगन देवांगी ते उमर कह लगा नि मैनू नहीं देना ते अल्लाह दा कुरान आपे ही पढ़ के सुना देना अल्लाह अकबर बहन ने कुरान खोलिया सूरत ताहा खोल लिये ते बहन की पढ़ दिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताहा मा अंजलना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलम मिम्मन खलकल अर्ज़ा वस्समावातिल उला बहन कुरान पढ़ दी जा रही है उमर कुरान सुनता जा रहा है बहन कुरान दियां तिलावतां कीती जा रही है वीर कुरान सुनता जा रहा है इधर अल्लाह दा कुरान सुनन दी देर है ते इहदे दिल दे अंदर इन्नी कोई हिदायत आ गई दिल दे अंदर इतनी नरमी आ गई है कुरान ने अपनी ताकत दिखा दी है कुरान ने अपनी तासीर दिखा दी है उमर ने कुरान सुनया ते कहन लगा नी मेरी बहने मैनू जल्दी दे नाल अपने नबी दे कोल लैके चलना तू की करना है मेरे नबी दे कोल ते उमर कह लगा जे कुरान एडा सोना है ते दस ना कुरान वाला मुहम्मद किड्डा सोना होएगा कुरान एडा सोना है ते कुरान वाला किड्डा सोना होएगा कुरान एडा प्यारा है ते कुरान वाला किड्डा प्यारा होएगा अल्लाह अकबर मैं मुख्तसर करके इशारा करा नबी पाक अली सलातु सलाम दी खिदमत दे अंदर गए मेरे नबी ने उमर नु गिरेबान उतों पकड़िया फरमाया उमर दस किन्नी कु देर मैं मुहम्मद दियां मुखालफतां करेंगा किन्नी कु देर मेरियां दुश्मनियां दे अंदर रहेंगा किन्नी कु देर मेरे न लड़ाइयां करदा रहेगा किन्नी कु देर रब रहमान दियां दुश्मनियां मौल लेंदा रहेगा ते उमर कह लगे ने सोनिया हुण दुश्मन बन के नहीं आया बल्कि सज्जन बन के आया वा मैनू कलमा पढ़ाओ तुहाडा मुरीद बनना चाहना वा कुरान सुनिया हिदायत आ गई है ते मेरे पैगंबर अली सलाम ने सवाल किया वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो मेरी तरफ करो कुछ नहीं होने लगा इंशाअल्लाह अल्लाह दा कुरान सुन रहे हैं सुन सारे को सुभान अल्लाह अल्लाह दा कुरान सुन रहे सानू की होना इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी देवे कुछ नहीं हो सकता इंशाअल्लाह जरा तवज्जो करो मेरे नबी ने सवाल किया फरमाया मेरे नबी कह लगे उन्होंने बातों का तर्जमा करन लगा वा वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है
अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है। ते उम्र क्या लगे तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। उम्र कहन देने सुनी थी बहन से मैंने जो लेकर तू किताब आया, उमर इब्ने खताब आया। अल्लाह अकबर में कुर्बान जावा, कुरान सुने अल्लाह दा कुरान सुने आए उमर बिन खत्ताब ने, दिल दी दुनिया तब्दील हो गई है। अल्लाह अकबर दिल दे अंदर ईमान आ गया। अल्लाह रब रहमान ने फरमाया इन हाजल कुरान यहदी लिल्लती हिया अकवम व युबशिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना सालिहा अन्न लगुम अजरम कबीरा। कुरान दे अंदर अल्लाह ने हिदायत ही हिदायत बार दी है। कुरान दे अंदर अल्लाह रब रहमान ने हिदायत दे अंबार ला दिते ने। मैं कुर्बान जावा मेरे पैगंबर अली सलातु सलाम ने कुरान दियां तस्वीरां वेखियां ने, मेरे नबी पाक अली सलातु सलाम दे सहाबा दे उते कुरान ने असर किया। आइए गल अगे चलाइए, अल्लाह दी कुरान दियां ताकतां किनियां ने। जे अगर काफर भी सुनता है तो कुरान नूं सच्चा मनन लग जा। अल्लाह अकबर, अगर गैर मुस्लिम दी मानदा है, अगर गैर मुस्लिम दे सामने भी कुरान दियां तिलावतां कीतियां जांदियां ने ओ भी कहन लग जांदा है कुरान ते बिल्कुल सच्चा नजर आंदा है। अल्लाह अकबर मैं कुर्बान जावा मेरे पैगंबर ली सलातु सलाम दे यार। जदों नबी पाक ने नबूवत दा ऐलान कीता ना, नबूवत दा ऐलान करन तो बाद नबी पाक ली सलातु सलाम दे सहाबा ना चंद परेशान हो गए ना, नबी पाक दे कोल आए सोनिया मक्के वाले बड़ा जुल्म करते ने, बड़ा परेशान करते ने, लिहाजा सानू इजाजत दे असी जाना चाहते हिजरत करके। कितने हिजरत करके जानी है? असी हबशा की तरफ हिजरत करके जाना चाहते हैं। हबशा का मुल्क उतों का एक बादशाह बड़ा सियाना बंदा दना बंदा है, उदे कोल जाना चाहते हैं। ईसाई बादशाह असी उदे कोल जाने, हो सकता सानू कोई फायदा मिल जाए, हो सकता कोई सानू उदे बारे कोई ऐसा मामला नजर आ जाए जिदे अंदर साड़ी बेहतरी होगी। नबी पाक अली सलातु सलाम ने इजाजत दे दित्तियां ने, फरमाया जाओ हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ ना। मर्द भी ने इस काफले दे अंदर, औरतां भी ने, अल्लाह दे नबी ने जातां दे दितियां ने। सारे निकल गए ने हबशा दी तरफ, हबशा दे अंदर जा रहे ने। इस काफले दा अमीर मेरे पैगंबर ली सलातु सलाम ने हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला नु बना दिता है। ये चलते जा रहे ने, चलदियां चलदियां हबशा दे अंदर पहुंचे ने। अल्लाह अकबर हबशा दी सरजमीन उत्ते पहुंचे ने। इन्हां दे पहुंचण तो पहले मक्के वाले भी पहुंच चुके ने, मक्के वालेयां दा गिरोह भी पहुंच चुकिया, वफद पहुंच चुकिया। ते मक्के वाले जाके नजाशी बादशाह नूं कहण लगे ने, बादशाह गल सुनना, ए जड़े तेरे लोग मुहम्मद दीवाने आए ने, जड़े मक्के दी तरफों हिजरत करके आए ने, बड़े खतरनाक लोग ने। इन्हां ने मक्के दे अंदर एक दूसरे दे नाल दूसरे नूं लड़ा के रख दिता है। अल्लाह अकबर, भाई भाई नूं एक दूसरे दा दुश्मन बना दिता, बाप नूं बेटे दा ते बेटे नूं बाप दा दुश्मन बना दिता। इन्हां ने आके मक्के दे अंदर फसाद बरपा कर दिता है, ते असां ते इन्हां नूं मक्के दे अंदरों कढ दिता है, ते उत्थों निकल के तेरे कोल आ गए ने। अल्लाह अकबर, लिहाजा या तू इन्हां नूं साडे हवाले कर दे, ते या फिर इन्हां नूं वी इत्थों कढ दे हबशे दे अंदरों। ते बादशाह बड़ा सियाणा बंदा सी, पता लगा कई बादशाह सियाने भी हुंदे ने, अक्सर वैसे बेवकूफ वेखे ने, लेकिन कई बादशाह सियाने भी हुंदे ने। एक कहन लगा मैं तुहाडी सुन लईए हुण मैं दूसरे घर वालियां दी भी सुनांगा, तुहाडी सुन लईए हुण मुहम्मद दे यारां दी भी सुनांगा। अल्लाह अकबर, सियाने बंदे एक घर दी सुन के फैसला नहीं सुना देंदे, दोनों घरां दियां गल्लां सुनदे ने। अल्लाह अकबर, नजाशी ने हजरत जाफर तैयार नूं बुलाया। जनाब जाफर जदों आ गए ने नजाशी दे दरबार अंदर, ते नजाशी ने सवाल किया, कहन लगा मैं सुनया तुसा नवा ही दीन बना लिया है,
अल्लाह हु अकबर तुसी दीन तो हट गए हो। जनाब जाफर कह लगे ने बादशाह तेनु गलत खबर मिली असी दीन वाले बन गए हां। अल्लाह हु अकबर असी ते दीन इस्लाम दे उत्ते चलन वाले बन गए हां। अल्लाह हु अकबर बादशाह सवाल करन लगा कहंदा है दसो तुहानु मक्के दे अंदरों क्यों कढ़िया गया है। हजरत जाफर कह लगे ने मक्के वाले जुल्म ही बड़े कीते ने इन्होंने सानू मक्के दे अंदरों निकलन ते मजबूर कर दिता है। साढ़े उत्ते जुल्म करते रहने ज्यादतियां करते रहने असी मक्का छड़ के तेरे कोल आ गए हां। नजाशी कह लगा वजह की है क्यों मारदे सन। ये कह लगे सन साडा इको ही कसूर है साडा इको ही जुर्म है असी पढ़दे सन ला इलाहा इल्लल्लाह जिनू जिनू आंदा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बादशाह साडा जुर्म है असी ला इला पढ़न वाले हां। साडा जुर्म है असी रब रहमान नूं दाता मनन वाले हां। अल्लाह हु अकबर इन्होंने इस वजह तो साढ़े जुलम किए ने ज्यादतियां कीतिया ने मारते भी रहे ने। ते बादशाह कह लगा मैं सुनया तुसी आपस के अंदर लोगों नूं लड़ा के रख दिता है तुसा मक्के दे अंदर फसाद बरपा कर दिता है। अल्लाह हु अकबर जनाब ते जाफर कह लगे ने ओए बादशाह जितों दा नबी दा कलमा पढ़िया है उन्हें दुश्मनों नूं भी यार बना दिता है दुश्मनों नूं भी वीर वीर बना दिता है आपस दे अंदर लड़न वालियां नूं एक दूसरे दा मुहाफिज बना दिता है आपस दे अंदर जानां दे प्यासियां नूं उन्हें एक दूसरे दा भाई भाई बना दिता है। अल्लाह हु अकबर एक कहन लगा अच्छा तुहाडा कोई नबी भी है वे। जनाब जाफर कहन लगे ने साडा नबी है ओहदा नाम मुहम्मद। ओ सारे पढ़ो जनाब मुहम्मद वेख लो अल्लाह ताला ने रहमत कर दी बाहर बारिश होने लग पी बाहर मौसम ठंडा है तुसी अंदर ठंडे हो बैठे हो सारे नबी पढ़ते उधर पढ़ो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुसा इंशाल्लाह आखिर तक ततियां रहना है सुभान अल्लाह कहंदे रहना नबी पाक दे दुरूद पढ़दे रहना क्योंकि रमजान दियां घड़ियां ने रज रज अल्लाह दा जिक्र कर लो रज रज कुरान सुन लो। अल्लाह दी कसम ए पता नहीं घड़ियां बाद अंदर लभणियां ने कि नहीं लभणियां इन्हां घड़ियां दी कदर करो। मेरे पैगंबर दा नां लिया है ते नजाशी कहन लगा जेड़ा अल्लाह दा सच्चा नबी हुंदा है ओदे उत्ते आसमाना तो कोई ना कोई किताब भी नाज़िल हुंदी है। अल्लाह हु अकबर क्या तुहाडे नबी ते भी कोई चीज नाज़िल हुंदी है तुहाडे नबी ते भी कोई आयत नाज़िल हुंदी है। जनाब जाफर कहन लगे ने हाँ हाँ साडे नबी ते भी अल्लाह दा कुरान नाज़िल हुंदा पिया है। अल्लाह हु अकबर मैं कुर्बान जावां ते नजाशी कहन लगा अच्छा जे तुहाडे नबी ते कुरान आया ते मैनूं पढ़ के सुनाओगे कि नहीं ना तुहाडे अंदर किसी नूं कुरान आंदा कि नहीं। जनाब जाफर कहंदे ने सानू साडे नबी ने कुरान सिखाया है सानू साडे नबी ने कुरान पढ़न दियां जाचां दसियां ने। नजाशी कहंदा पढ़ना कुरान अल्लाह हु अकबर मैं भी पढ़ा कुरान इंशाअल्लाह कुरान पढ़िए। नजाशी दे सामने हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरत मरियम खोल लईए। अल्लाह हु अकबर सूरा मरियम खोल के ते तिलावतां करदे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काफ हा या ऐन साद ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया काला रब्बी इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्तअला रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। कुरान पढ़ते जा रहे ने मैं कुर्बान जावां कुरान पढ़ते जा रहे ने कुरान दियां तिलावतां कीती जा रहे ने। अल्लाह हु अकबर पढ़दियां पढ़दियां जनाब जाफर बिन तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु इस मुकाम दे उत्ते आए ने पढ़दे ने वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लगा बशरम सविया। सईदा मरियम का किस्सा बयान करन लग पैने अल्लाह हु अकबर
दरबार ऐसाइयां दाए बादशाह भी ऐसाई है कदेर दा गिरद अंदर बैठन वाले सारे हवारी भी ऐसाइयां देने मैं कुर्बान जावा ओए वेखो ना बादशाह भी गैर मुस्लिम में दरबार अंदर बैठन वाले भी गैर मुस्लिम ने ए सारे गैर मुस्लिमां दे सामने अल्लाह दे नबी दा एक परवाना है जड़ा डरे अब कोई नहीं बल्कि अल्लाह दा कुरान पढ़दा पिया अल्लाह दा कुरान पढ़ी जा रहा है अल्लाह अकबर जनाबे जाफर पढ़ते जा रहे ने नजाशी कुरान सुनदा कुरान सुन के रोना शुरू कर दिता है कुरान सुन के रोई जांदा है नजाशी दी दाढ़ी हंजुआं दे नाल तारों लग पई है अल्लाह अकबर दाढ़ी एदी तारों लग पई है आंसुआं दे नाल जनाबे जाफर पढ़ते जा रहे ने ते पढ़द्या पढ़द्या इत्थे पहुंचे ने अल्लाह अकबर सैयदा मरियम अलैह रहमा बारे अल्लाह रब रहमान ने फरमाया नी मरियम जी तो अल्लाह रब रहमान ने तेनु पुत्र दिन दा फैसला कर लिया अल्लाह रब रहमान दा कुरान पढ़ दे पैने अल्लाह अकबर सैयदा मरियम दे कोल जदों कौम वाले सवाल कीता या उख्त हारून मा काना अबू किम रा सौ इम व मा कानत उम्म की बगी अल्लाह अकबर सैयदा मरियम दा किस्सा पढ़द्या पढ़द्या जनाबे जाफर पढ़दे ने फाशारत इलैही कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबिया काला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबी जनाबे जाफर कुरान पढ़िया सैयदा मरियम दा सारा वाकया जदों दे सामने बयान कीता अल्लाह दे कुरान दियां आयतां पढ़ियां ने तरतीब दे नाल अल्लाह अकबर कुरान पढ़िया ते नजाशी रोई जा रहा है इधर कुरान खत्म होया ते कुरान सुन के कुरान ने अपनी ताकत दिखाई है नजाशी दा दिल नरम होन लग पिया नजाशी दे दिल दे अंदर हिदायत आन लग पई है अल्लाह अकबर कोई सुने ते सही ना कुरान नु दिल लाके कोई सुने ते सही ना कुरान नु प्यार दे नाल कोई सुने ते सही ना कुरान नु मोहब्बत दे नाल कुरान बड़ियां ताकतां वाला है कुरान बड़ियां तज़ीरां वाला है अल्लाह अकबर कुरान बड़ियां कुवतां वाला है अल्लाह लाला ने कुर्बान जावा जनाबे जाफर दे कोलों कुरान सुनिया ते मक्के वाले भी खड़े ने ते मक्के वाले कहन लगे ने इन्हें कुरान सुन लिया हुण साडे जोगा रहिंदा जिन्हें कुरान सुन लिया साडे जोगा रहिंदा कहंदे नसो वापस चलिए ते इन्नी देर दे अंदर नजाशी बोलिया नजाशी कहन लगा ओ मक्के दे काफरो जिथों आए हो ओथे वापस टुर जाओ ना मेरी सल्तनत दे अंदरों नस जाओ ना मेरे दिल ने एक फैसला कर लिया नजाशी दस केड़ा फैसला कीता है नजाशी कहन लगा मैं कुरान सुनिया है ना कुरान गलत हो सकता है ना कुरान वाला मुहम्मद गलत हो सकता है अल्लाह 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 जिन्ना ने कुरान नु दिल लाग सुनया है अल्लाह ने उन्हां नु हिदायतां ता कर दितियां ने मेरे पैगंबर ली सलातु सलाम ने दसया है कुरान दे अंदर अल्लाह रब रहमान ने तस्वीरां रखियां ने कुरान दे अंदर अल्लाह रब रहमान ने हिदायतां रखियां ने मैं ते आना वा विच कुरान तस्वीर मिठासा भरियां ने विच कुरान तस्वीर मिठासा भरियां ने दिल जिगर दिल जान मेरियां अखियां ठरियां ने सारे आखो सुभान अल्लाह उधरा ठंडे नहीं होना मैं पहले भी दस्या सारे आखो सुभान अल्लाह विच कुरान तस्वीर मिठासा भरियां ने जान जिगर दिल मेरियां अखियां ठरियां ने जान जिगर दिल मेरियां अखियां ठरियां ने दिल दी है तस्कीन तू रज रज पढ़िया कर
रिफत बुलंदी इस विच हासिल करया कर, रिफत बुलंदी इस विच हासिल करया कर, जो लड़ लगियां सौ सौ सजना तरिया ने, जो लड़ लगियां सौ सौ सजना तरिया ने, विच कुरान तसीर मिठासा भरिया ने, विच कुरान तसीर मिठासा भरिया ने। बड़ी प्यारी गल है, अल्लाह अकबर। हजरत जाफर जब्त कुरान सुनाया सी, विच दरबार नजाशी डेरा लाया सी, विच दरबार नजाशी डेरा लाया सी, सूरत मरियम दिया ऐतां पढ़िया ने, सूरत मरियम दिया ऐतां पढ़िया ने, दिल जिगर नाल मेरियां अखियां ठरियां ने, जान जिगर नाल मेरियां अखियां ठरियां ने। बड़ी प्यारी गल पेश करन लगा वां, अल्लाह अकबर। अल्लाह दे पाक कलाम दिया क्या बातां ने, अल्लाह दे पाक कलाम दिया क्या बातां ने, सुनिया जिन्नू जिन्ना दिया जमाता ने, ओ सुनिया जिन्नू जिन्ना दिया जमाता ने, ए दिल ते करता असर तस्वीरां बड़िया ने, दिल ते करता असर तस्वीरां बड़िया ने, विच कुरान तस्वीर मिठासा भरिया ने, विच कुरान तस्वीर मिठासा भरिया ने, जान जिगर नाल मेरियां अखियां ठरियां ने। अल्लाह रब रहमान ने फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती या अगवाम व युबशिरुल मुमिनीन अल्लज़ीन यअमलून الصالحات أن لهم أجرا كبيرا। कुरान सुनदा काफर भी ते हिदायत पा लैंदा है, ते मुसलमानां दे सामने सपारियां दे सपारे पढ़ छड्डी दे इन्हां नूं हिदायत कोई नहीं आउंदी। वेख लो किड्डे अफसोस वाली गल है, मुसलमानां दे सामने सूरतां दीआं सूरतां सपारियां दे सपारे हर साल हावर वी तरावियां दे अंदर कुरान पाक नूं खत्म कर छड्डदे ने। असीं जुम्मिआं दे अंदर कुरान सुनाई जांदे आ, लेकिन मुसलमानां ते असर ही कोई नहीं। वजह की है? असीं कुरान नूं दिल लग सुणिआ ही कोई नहीं, असीं कुरान नूं मुहब्बत नाल सुणिआ ही कोई नहीं। असीं कुरान दा तर्जमा पढ़िआ होवे ते सानूं कुरान दी समझ आए ना, इंग्लिश किताबां दा तर्जमे पढ़ लैंदे हो, इंग्लिश दे तर्जमे करवा लैंदे हो, ट्रांसलेट करवा लैंदे हो, नहीं तर्जमा पढ़ना ते अल्लाह दे कुरान दा नहीं पढ़ना, फिर आखना जी मौली सानू कुरान समझ नहीं आउंदी। कुरान औखा बड़ा है, कुरान कित्थे औखा है? अल्लाह ने फरमाया कुरान नूं अल्लाह ने बनाया ही बड़ा आसान है, कोई पढ़ के वेखे ते सही कुरान दिल दी दुनिया बदल दिंदा है। पढ़ो ते सही कुरान नूं। अल्लाह दे नबी दे यार ने कुरान पढ़िया, काफरां दे दरबार दे अंदर नजाशी दे दिल अंदर हिदायत आ गई, तौहीद पैदा हो गई, ते जदों मरिया ए मरिया हबशे दे अंदर ए, ते एदा जनाजा आमीना दे लाल ने मदीने अंदर पढ़ दिता है। ना शान कुरान दी, हाय हाय। अल्लाह दे कोला दुआ फरमाओ, अल्लाह कुरान दे नाल पक्का सच्चा प्यार अता फरमाए। सारे आखो आमीन। जिदा जिदा दिल करदा कुरान दे कोलों हिदायत लैणी, सारे आखो आमीन। मेरे पैगंबर ने सलातु सलाम ने दस्या है, कुरान हिदायत देण वाला है, बेहदायतियां नूं कुरान हिदायत दे छड़दा है। अल्लाह अकबर का लगे चलाइए। मेरे पैगंबर ने सलातु सलाम ने फरमाया, जिस दिल दे अंदर कुरान कोई नहीं, जिस दिल दे अंदर कुरान दा प्यार कोई नहीं। कई ऐसे बंदे भी हैं जिहड़े आंदे ने मौली साहब सानू की लगे कुरान दे नाल, तुहाडे मुसलमानां दे अंदर मौली साहब सानू की लगे कुरान नाल, ते ऐसे जुमले दे नाल बंदा दीन इस्लाम दे अंदरों खारिज हो जांदा है, निकल जांदा दीन इस्लाम अंदरों। मेरे पैगंबर ली सलाम ने दस्या,
जिस बंदे दे दिल अंदर कुरान दा प्यार कोई नहीं, कुरान दी मोहब्बत कोई नहीं, कुरान दी चाहत कोई नहीं, या कुरान नु याद कोई नहीं कीता, अल्लाह अकबर, कुरान नु अपने दिल अंदर जगह कोई नहीं दीती। मेरे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ओदा दिल पता किंज दा ए जी सुनया किंज दा ए, फरमाया कल पई दिल खरीबी। मेरे पैगंबर ने फरमाया जिदे दिल ते अंदर कुरान कोई नहीं, अल्लाह अकबर, अज वेखी ना मुसलमाना तेरे मेरे दिल दे अंदर केड़ियां चीजां वसाई बैठे आ, दिल दे अंदर पैसे दा नशा वसाई बैठे आ, दिल दे अंदर अल्लाह अकबर एक्टरां नूं वसाई बैठे आ, एक्टरां दे नाम याद कीती बैठे आ, डायलाग याद कीती बैठे आ, ड्रामियां दे नाम फिल्मां दे नाम याद कीती बैठे आ, गाने भी याद कीती बैठे आ, नहीं याद ते अल्लाह दे कुरान दी आयत याद कोई नहीं, नहीं याद कुरान दियां छोटियां छोटियां सूरतां याद कोई नहीं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने दस्या है जिस बंदे दे दिल दे अंदर कुरान कोई नहीं, कल पई दिल खरीबी। फरमाया ओदा दिल इंजे जिवें एक उजड़िया घर हुंदा है, जिवें एक उजड़िया बेआबाद घर हुंदा है। अल्लाह अकबर, यानी जिहदे दिल दे अंदर कुरान नहीं ओदा दिल कदी भी आबाद नहीं हो सकदा, ओदे दिल दे अंदर कदी भी बहार नहीं लग सकदी, ओदे दिल दे अंदर कदी भी सुकून नहीं आ सकदा, ओदे दिल दे अंदर कदी भी इत्मीनान नहीं आ सकदा। क्यों नहीं आ सकदा? अल्लाह रब रहमान ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल कुलूब, दिलां नूं ठंड पैंदी है कुरान दे नाल। अल्लाह अकबर, दिलां नूं चैन मिलदा है कुरान दे नाल, दिनां नूं सुकून मिलदा है कुरान दे नाल। जिहदे दिल दे अंदर कुरान कोई नहीं, उस बंदे दा दिल कदी भी आबाद नहीं हो सकदा। दिल नूं आबाद करना चाहते हो, दिल नूं राजी करना चाहते हो, अल्लाह दा कुरान पढ़िया कर। दिल नूं खुश करना चाहते हो, अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करिया करना। मेरे नबी ने फरमाया जिस घर दे अंदर कुरान पढ़िया जाता है, जिस घर के अंदर कुरान दियां तिलावतां कीतियां जांदियां ने, फरमाया उस घर के अंदर ना शैतान रह सकता है, ना उस घर के अंदर जिन्ना बसेरा कर सकते ने, ना जिन रह सकते ने, ना शैतान तुहाडे घर के अंदर आ सकते ने, जेकर कुरान पढ़िया करोगे। अल्लाह अकबर, एवें तीन खबरां आ जांदियां जी मौलवी जी, साढ़े घर के अंदर खून के छीटे आते ने, साढ़े बाल सुते सुते डर जाते ने, सानू लगता साढ़े घर के अंदर साया आ गया, सानू लगता जिवें साढ़े घर के अंदर शयातीन दा कब्जा आ गया। जे तेरे घर के अंदर फिल्मां चलनियां ने कुरान नहीं चलना, तेरे घर के अंदर ड्रामे चलने ने कुरान नहीं चलना, फिर खून के छिटे ही आया करनगे। तेरे घर के अंदर कुरान नहीं चलना, तेरे बच्चों के साया भी हो सकता है। जे कुरान नहीं चलना तेरे घर के अंदर भी साया आ सकता है, जे कुरान नहीं चलना तेरे घर के अंदर शयातीन दा बसेरा हो सकता है, जे कुरान नहीं चलना तेरा घर आबाद नहीं हो सकता। मेरे पैगंबर अली सलातु सलाम दा फरमान सुना लगा वा, आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा। मेरे नबी ने फरमाया अपने घरां नूं कब्रस्तान ना बनाया करो, अपने घरां नूं कब्रस्तान ना बनाया करो। सुनिया किंज? फरमाया जिहड़ा बंदा कुरान पढ़दा अपने घर दे अंदर, ओहदा घर आबाद रह जांदा है, ओहदे घर दे अंदर खुशियां आ जांदियां ने। ते जिहड़ा बंदा अपने घर दे अंदर कुरान नहीं पढ़दा, जिस घर दे अंदर कुरान दियां तिलावतां कोई नहीं हुंदियां, फरमाया ओह घर इंज जिवें कब्रस्तान है, ओह घर इंज जिवें वीरान नजर आंदा पिया है, ਉਹ ਘਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਐਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ, ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਏ।
अल्लाह तेरे ना बरकता ना वादा करेगा। कुरान पढ़ते सही अल्लाह की कसम अल्लाह बहारा ला छे। साढ़े बच्चों अभी इंग्लिश फर फर बोलनी आती है, है जो कोई गल कर लगन गए तो मावा भी कहते हैं ना ना बेटा ऐसे नहीं बोलते। सलाम लैन लगे सलाम अलैकुम लई आवे ना ना सलाम अलैकुम नहीं लैनी शेक हैंड करो। है कोई शह मंगनी है पुत्र पानी मंगना है ते ओ आख लगे मामा पानी चाहिए ते आने ना पुत्र वाटर कहते हैं। है इंग्लिश सिखा देनी है ते नहीं सिखानी ते अपने पुत्र नु कुरान दी कोई आयत नहीं सिखानी। इंग्लिश दे लफ्ज दसी जावांगे तोड़ तोड़ के पुत्र इंज नहीं इंज बोली दे इंज बोली दे। जदों कोई तेरे नाल नाराज होवे उन्हें सॉरी करी दे। ते सारियां गल्लां सिखा दित्तियां नहीं दस्या ते मावां ने कुरान नहीं दस्या। इन्हां मावां दा भी गिरेबान कल कियामत वाले दिन फड़िया जाणा, इन्हां बापां दा भी गिरेबान कल कियामत वाले दिन फड़िया जाएगा। जिहड़े हर शायद दसदे ने लेकिन कुरान नहीं दसदे। अल्लाह दे कोल दुआ फरमाओ अल्लाह कुरान दे नाल प्यार दी तौफीक अता फरमाए। कुरान अपने घरां दे अंदर लियाओ अपने तुहाडे घर आबाद हो जाणगे। नबी पाक अली सलातो सलाम ने दस्या रमजान दे अंदर रज रज अल्लाह दा कुरान पढ़ो। की पढ़ना है? कुरान पढ़ो। रमजान निशाना वाला है ते अल्लाह दा कुरान निशाना वाला है। मैं तुहानू डब्बा पैक अशार सुना लगा वा। मैं अपने लिखे अलहमदुलिल्लाह मेरे लिखे हुए डब्बा बंद अशार सुना लगा वा। तवज्जो करिया जे बड़े प्यारे शेर ने रमजान दे बारे अल्लाह ताला दा कैसा महीना आया है। अल्लाह हु अकबर रात तवज्जो करे आजे ध्यान करे आजे। मेरे पैगंबर ली सलातु सलाम ने दसिया है रमजान अल्लाह दा प्यारा है ते नेकियां दी बहार बन के आया है। हैं नेकियां दी बहार बन के आया। मेरे पैगंबर ली सलातु सलाम दे सीने ते अल्लाह दा ब्रह्मान ने अपना पाक कुरान नाज़िल फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान। रमजान दा महीना ओ बाबरकत है जिदे अंदर रब दा कुरान आसमान तो आया है। रब दा कुरान इस महीने अंदर आया है ते किड्डा प्यारा महीना है। अल्लाह अकबर रब दा प्यारा है ते रब दा प्यारा है ते नबी दा प्यारा आया रमजान लुट लो ने की दा नजारा। ना 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 बनाने ते भी जोर मेरा लगे सुनाने ते भी मेरा लगे तुसी की लैणा सारे आखो सुभान अल्लाह। बनाइए भी असी सुनाइए भी असी तुसी की लैणा जो तुसी आखो सुभान अल्लाह। और रब दा प्यारा है ते नबी दा प्यारा आया रमजान लुट लो ने की दा नजारा आया रमजान लुट लो ने की दा नजारा। रोजे दा मकसद तकवा है ए बेच कुरान दे है आया। रोजा मेरे बंदे दा मेरे लई ए अल्लाह पाक ने फरमाया। रोजा मेरे बंदे दा मेरे लई ए अल्लाह पाक ने फरमाया। ऐसे लई महीना यारो ऐसे लई महीना यारो आया है दोबारा आया रमजान लुट लो ने की दा नजारा आया रमजान लुट लो ने की दा नजारा। आओ लोगों कुरान पढ़ो नाले अल्लाह पाक नू राजी करो। कुरान दे नाल मोहब्बत कर सब अपनी रूह नू ताजी करो। कुरान दे नाल मोहब्बत कर सब अपनी रूह नू ताजी करो। हर इंसान पढ़े हर इंसान पढ़े कुरान दा सिपारा आया रमजान लुट लो ने की दा नजारा। अल्लाहु अकबर बड़ी प्यारी गल्लां लगी है वद हजार महीनियां तो एक रात इंज दी आनी है। केड़ी रात है? लैलतुल कदर। अल्लाहु अकबर है वद हजार महीनियां तो एक रात इंज दी आनी है। सब पाप उस दे मुक जासन जिस रात ओ पा लैनी है।
सब पाप उस दे मुक जासन जिस रात ओ पा लैनी है लैलतुल कदर दी। लैलतुल कदर दी तरफ है इशारा आया रमजान लुट लो ने की दान दारा आया रमजान लुट लो ने की दान दारा। बड़ी प्यारी गल आखरी जुमला दे मेरा सलाम आ लगाए अल्लाह अकबर। ए महीना आलीशान लोगो ए महीना आलीशान लोगो ए अल्लाह दा मेहमान लोगो ए महीना आलीशान लोगो ए अल्लाह दा मेहमान लोगो सहरी अवतारी दा मंजर ए आमदाए दिखलान रोगो सहरी अवतारी दा मंजर ए आमदाए दिखलान लोगो सुबहानी रमजान अल्लाह सुबहानी रमजान अल्लाह पाक दा प्यारा आया रमजान लुट लो ने की दान दारा आया रमजान लुट लो ने की दान दारा रब दा प्यारा ए ते नबी दा प्यारा आया रमजान लुट लो ने की दान दारा। कुरान पढ़द्या रहना है रमजान दा महीना अल्लाह दे कुरान पढ़ के गुजारना है अल्लाह दे कुरान दे नाल मुहब्बत करके गुजारना है। अल्लाह अकबर कुरान पढ़ेगा अल्लाह नेकियां भी देंगे किनिया गुने कियां मेरे पैगंबर अली सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा कुरान दा एक हरफ पढ़ लेंदा है एक हरफ किनू आंदे ने अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा पढ़ता है अलिफ लाम मीम उन्हें किन्ने हरफ पढ़े ने तीन तीन पढ़े ना वेखन लगता है अल्लाह दस नेकियां देगा लेकिन मेरे पैगंबर अली सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा एक लफ्ज़ पढ़ता है ओदे अंदर कई हरफ ने ते जेड़ा एक हरफ अल्लाह दे कुरान दा पढ़ता है अल्लाह एक हरफ दे बदले दस नेकियां दे छड़दा है। अल्लाह अकबर ते रमजान दे अंदर अल्लाह रब रहमान दस गुणा नू सत्तर गुणा कर देंदे ने सत्तर गुणा नू सात सौ कर देंदे ने सात सौ नू सत हजार नू सत लख कर देंदे ने। अल्लाह अकबर मैं कुर्बान जावां ओ जेड़ा बंदा रमजान दे अंदर कुरान पढ़ता है अल्लाह एक ने की नहीं सौ ने की नहीं हजार ने की नहीं बल्कि ओदे नामे अमाल दे अंदर मेरा रब लखां नेकियां दा इजाफा कर छड़दा है लखां नेकियां तेरे अकाउंट अंदर आ जांदियां ने लखां नेकियां अल्लाह तेरे खाते अंदर लिख देंदा पढ़ते सीना कुरान। अल्लाह रब रहमान ने फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक्वम वयुबशिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना सालिहात लहुम अजरम कबीरा। कुरान पढ़ो कुरान के अंदर अल्लाह ने हिदायत ही बड़ी रखी है। मैं कुरान पाक के अंदर कई चीज़ा दसना चाहता सा लेकिन टाइम जो मेरा मुख्तसर होता है सिर्फ हिदायत दसे है कि कुरान नू इन्ना पढ़ो इन्ना पढ़ो अल्लाह तुहानू हिदायत दे छड़े कुरान इन्ना पढ़ो अल्लाह तुहाडे दिल नू भी हिदायत दे छड़े। हिदायत की हर बंदे नू लोड़ हुंदी है अगर मैं दुआ देना कि अल्लाह तुहानू हिदायत दे तुसा आना मौल साहब किवें दुआ देण दे हो कि अल्लाह सानू हिदायत दे सानू हिदायत कोई नहीं तुसी इतराज कर सकते हो लेकिन नबी पाक अली सलातु सलाम अपने सहाबा नू भी दुआ दिया करदे सन अल्लाह सुनिया मेरे इस यार नू हिदायत दे दे अल्लाह मेरे इस यार नू हिदायत दे नाल सरफराज कर दे यानी हिदायत जिन्नी भी होए कम है अल्लाह दे कोल दुआ फरमाओ अल्लाह सानू हिदायत अता फरमाए अल्लाह साडे दिलां नू हिदायत अता फरमाए साडे दिलां नू हिदायत आ जाए ना असीं दुनिया दे उत्ते जिंदगी उंज गुजारीए जिवें अल्लाह दा कुरान आंदा या मुहम्मद दा फरमान आंदा है जिंदगी इंज दी गुजारो कि अल्लाह रब रहमान तुहाडे नामे अपनी जन्नत कर देण कुरान दे नाल मुहब्बत करो कुरान दे नाल प्यार करो अल्लाह पाक तुहाडा सब दा कुरान सुनना सुनाना अपने दरबार अंदर मकबूल और मंजूर फरमाए कुरान दे नाल मुहब्बत करना करवाना अल्लाह अपने दरबार दे अंदर खालिसतन मकबूल और मंजूर फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।